वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शॉक। प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे टॉर्जन के, उसमें हमने टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मींस जब भी किसी शाफ्ट के ऊपर टॉर्क आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ओके, या फिर टॉर्क अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ओके, और हम टॉर्जन इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो ये पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। और होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के लिए हम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ मीन्स द मैक्सिमम टॉर्क कैपेसिटी ऑफ अ शाफ्ट, वो हम निकालेंगे। तो वो हमने एक्सप्रेशन कर लिए थे पिछले लेक्चर में। तो आज हम स्टडी करेंगे कि पावर जो शाफ्ट है, शाफ्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक शाफ्ट है, ओके, शाफ्ट इस ये शाफ्ट हमारा रोटेट कर रहा है विद आरपीएम, एन आरपीएम इसका रोटेशन, एन आरपीएम, ओके, तो एन आरपीएम दैट मीन्स आप एन के आरपीएम क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एन इज आरपीएम ऑफ शाफ्ट, ओके, तो पावर ट्रांसमिट कर रही है एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो ये अपना एन आरपीएम से रोटेट कर रहा है और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ऑफ शाफ्ट, ओके, एंड टी इज टॉर्क, टॉर्क मीन्स आपका जो है मीन टॉर्क, टॉर्क या मीन टॉर्क, मीन टॉर्क, ओके, मीन टॉर्क इन न्यूटन मीटर, ओके। तो जब आपका शाफ्ट के ऊपर मीन टॉर्क टी लगा हुआ है और उसका एन आरपीएम से रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में द पावर ट्रांसमिटेड कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला ऑफ इफ पी इज योर पावर ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट पी कैन बी कैलकुलेटेड एज 2 पाई एन टी डिवाइड बाय 60, ओके, 2 पाई एन टी डिवाइड बाय 60, ये आपका आता है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को आप लिख सकते हो वॉट, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, ओके। अब ये जो है आपका 2 पाई एन टी, 2 पाई एन डिवाइड बाय 60, ये आपका होता है एंगुलर स्पीड। सो पावर को आप इस तरीके से लिख सकते हो पी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, जहां पर आपका जो ओमेगा है इज 2 पाई एन डिवाइड बाय 60 एंगुलर स्पीड ऑफ शाफ्ट, ओके। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं जो हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, दिस वन एंड दिस वन, ओके, ये दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि टॉर्जन के चैप्टर हैं उसमें न्यूमेरिकल किस किस टाइप से आते हैं। तो वन बाय वन हम दो न्यूमेरिकल को यहाँ पे स्टडी करेंगे, ओके। जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ क्या है, आप मेरे साथ साथ राइट कर सकते हो। फर्स्ट न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर वन, ओके, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, इन अ होलो सर्कुलर शाफ्ट, होलो सर्कुलर शाफ्ट ऑफ आउटर एंड इनर डाया ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली,
द शियर स्ट्रेस स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. फाइंड फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क विच द शाफ्ट कैन सेफली ट्रांसमिट विच द शाफ्ट can safely transmit. Okay. तो जब भी आपको numerical problem solve करना होता है तो सबसे पहले जो numerical की statement है उसको आपको समझना होगा, और समझने के बाद examiner क्या पूछना चाह रहा है आपसे वो आपको पता होना चाहिए. और उसके बाद सबसे पहले आप diagram बनाइए जो statement दिया हुआ है. अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए, वो सबसे अच्छा होता है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो. ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक होलो शाफ्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एक होलो शाफ्ट बनाते हैं. ये हमने एक होलो शाफ्ट बना लेंगे, ये बना लिया होलो शाफ्ट. ओके, अब होलो शाफ्ट ये हमने बनाया है, होलो शाफ्ट का आपका इनर एंड एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है. ओके, तो ये आपका होलो शाफ्ट है. अगर मैं यहाँ पे अगर आप इनर और एक्सटर्नल डायमीटर आपका मान सपोज लेट इनर डायमीटर आपने डोनेट डिनोट किया है डी आई से. ओके, और एक्सटर्नल डायमीटर आप डिनोट कर रहे हो डी नोट से. ओके, सो आपको गिवन क्या है, डी आई इनर डायमीटर जो आपको गिवन है दैट इज योर 10 सेंटीमीटर, एंड आउटर डायमीटर जो आपको गिवन है वो है आपका 20 सेंटीमीटर. ओके, तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहले आपको क्या कन्वर्ट करना होता है कि आपने डायग्राम बनाया, उसके बाद आपको गिवन लिखना है. ओके, जो आपको गिवन है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए. ओके, ये गिवन है सारी स्टेटमेंट. और क्या गिवन है आपको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस गिवन है. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसमें लिखा नहीं हुआ, बट इसमें ऐसे लिखा हुआ है द शियर स्ट्रेस नॉट एक्सीड. आप यहाँ पे देखिए जो ये है स्टेटमेंट, द शियर स्ट्रेस नॉट एक्सीड 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है. हम इसको क्योंकि हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कंसिडर करेंगे. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस गिवन है अपने को टाउ मैक्स, टाउ मैक्स अपने को गिवन है यहाँ पर 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. अब जितने भी आपको गिवन टर्म्स हैं सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है. ओके, देखो यहाँ पे ये जो है आपका जो डायमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन, लेकिन जो जो आपका सी एस टेस गिवन है वो मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन है. दैट मीन्स आप या तो एमएम स्क्वायर में चलिए या सेंटीमीटर में चलिए या मीटर में चलिए. ओके, तो एमएम स्क्वायर एमएम मिलीमीटर में चलते हैं हम. तो यहाँ से जो आपका डायमीटर को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 100 सेंटीमीटर, और ये आपका 200 सेंटीमीटर सॉरी ये 100 मिलीमीटर. ओके, और ये दैट इज योर 200 मिलीमीटर. ओके, ये आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है टॉर्क. तो टॉर्क फाइंड आउट करना है आपको, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, स्टेटमेंट आपने अच्छे से समझ लिया है. तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या है, आपका टॉर्जन में टॉर्जन इक्वेशन का आप यूज करोगे. टॉर्जन इक्वेशन आप सबको पता है, टॉर्जन इक्वेशन हमें पता है, टॉर्जन इक्वेशन दैट इज टी बाय जे इक्वल्स टू टाउ डिवाइड बाय आर
इक्वल्स टू जी थीटा डिवाइड बाय एल। ये है टोर्जन इक्वेशन। आपको निकालना है मैक्सिमम टोर्क, टी आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम टोर्क, तो ये टी आपको फाइंड आउट करना है। ओके आपको सी एस टाइज गिवन और डायमीटर गिवन, तो दैट मीन्स आप ये दो जो इक्वेशन है इनको आप यूज करोगे। तो इनको यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो हम यूज करेंगे टोर्जन इक्वेशन से, टी बाय जे इक्वल्स टू टाउ डिवाइड बाय आर। या फिर अगर आपने देखा होगा जो मैं स्ट्रेंथ का जो मैंने डेरिवेशन किया उसमें आप देखोगे, तो उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यहाँ से आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टी इक्वल्स टू में पाई बाय 16, पाई बाय 16 टाउ ओके इंटू डी नॉट क्यूब 1 माइनस के रेज टू पावर 4। ओके जहां पर k क्या है, आपका डायमीटर रेशियो है। k क्या है आपका, जो है वो डायमीटर रेशियो है इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर। ओके तो इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर आप देखोगे हमारे पास इनर डायमीटर है 100 और आउटर डायमीटर 200, तो ये कितना हो गया 1/2। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2। इस k की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो k की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे। ओके तो यहाँ पर जब आप k की वैल्यू पुट करोगे और जब आप t, क्योंकि आपको सी एस टाइज भी गिवन है। ओके ये आपको सी एस टाइज गिवन है, यहाँ पर सी एस टाइज गिवन है। तो यहाँ से आप जब t की वैल्यू निकालोगे, t इक्वल्स टू पाई बाय 16 इंटू 40 ओके इंटू डी नोट आउटर डायमीटर 200 क्यूब इंटू 1 माइनस k, ये क्या है आपका 1/2 power 4। ओके यहां से जब आप टी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास जो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट आएगा 58904.86 × 10³ न्यूटन मिलीमीटर। ओके और अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप मीटर में इसको इतना लिख सकते हो, टी इक्वल्स टू 58904.86 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ओके दैट इज योर आंसर। ओके तो ये तो है, जब भी आपको टॉर्क निकालना है, आपको सी एस टाइज मैक्सिमम सी एस टाइज दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है और आपको टॉर्क निकालना है, तो आप इस तरीके से निकालोगे। सेकंड जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है, हमें पावर गिवन है और आपको सी एस टाइज निकालना है। वो भी हम स्टडी कर देते हैं। अगर पावर गिवन हो तो उस केस में हम कैसे यूज करेंगे इक्वेशंस को और कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके तो सेकेंड जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ सॉलिड सर्कुलर shaft of dia 15 cm when the shaft transmit 150 kW power एट 180 rpm। ओके तो ये भी एक टाइप, इस टाइप से भी आपका न्यूमेरिकल आता है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको
स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, आपको डायमीटर और पावर पावर गिवन है, या फिर हो सकता है आपको टॉर्क फाइंड आउट करना हो, पावर गिवन हो, या फिर डायमीटर फाइंड आउट करना हो, तो ये भी स्ट्रेस गिवन हो। ओके, तो ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा जब भी आपको पावर गिवन है, टोर्जन के न्यूमेरिकल में जब भी पावर गिवन हो तो वो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो टोर्जन से रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले आपको देखना है कि शाफ्ट कौन सी है, सॉलिड है या होलो है। तो पिछले न्यूमेरिकल में हमारा होलो था, यहाँ पर हमारा है सॉलिड, ये गिवन है यहाँ पे, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। ओके, तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायग्राम अच्छे से बनाओगे। तो ये हमने डायग्राम बना दिया है। ओके, ये हमारे पास एक शाफ्ट है, शाफ्ट का जो डायमीटर गिवन है, ओके, ये शाफ्ट है, शाफ्ट का डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर क्या है, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट हमें गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने आपको बताया था आपको या तो एमएम में चलना है, या मीटर में चलना है, या फिर मिलीमीटर में चलना है। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो यहाँ पर और हमारे पास किलो वाट गिवन है, तो हम किलो वाट, वाट हमारा मीटर में होता है हमेशा, ठीक है, पावर जो गिवन है, तो हम इसको मीटर में लेकर चलते हैं। यहाँ से हमारे पास जो आएगा वैल्यू, दैट इज योर 15 × 10⁻²⁻ और 0.15 मीटर। ओके, तो ये लगे चल रहे हैं। अगर आपको मिलीमीटर में चलना है तो ये आपका 150 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, लेकिन हम मीटर में लेके चलते हैं। तो पावर जो गिवन है हमें, पावर ट्रांसमिटेड, पावर जो गिवन है, जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है साफ, दैट वी इज योर 150 किलोवाट, और 150 × 10⁻³ वाट। ओके, और आरपीएम, दैट इज योर एन, आरपीएम जो हमें, आरपीएम ऑफ शाफ्ट रिवॉल्यूशन पर एन गिवन है हमें 180 आरपीएम, ये हमारा है गिवन। ये सब चीज़ें हमें, ये हमें है गिवन, गिवन डाटा। ओके, अब गिवन डाटा कर लिया हमने, मैं डायग्राम, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, हमें ये हमारा है फाइंड आउट करना है हमें। तो टाउ मैक्स फाइंड आउट करने के लिए एक टोर्जन इक्वेशन है हमारे पास। टोर्जन इक्वेशन से हम दो एलिमेंट यूज करते हैं, तो टोर्जन इक्वेशन में हम दो एलिमेंट यूज करेंगे, टी बाय जे इक्वल्स टू टाउ डिवाइड बाय आर। यहाँ से आपके पास जो है शियर स्ट्रेस टाउ जो आएगा, दैट इज योर पाई बाय, सॉरी, टाउ जो आपके पास आएगा टी डिवाइड बाय पाई बाय 16 × d³। ये हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जब होगा, जब आपके पास ये आएगा मेन टॉर्क। ओके, तो पावर ऐसे निकालते हैं हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो हमको डायमीटर तो गिवन है, लेकिन टॉर्क गिवन नहीं है, टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है। टॉर्क फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें ये जो है, ये पावर हमें गिवन है, ये पावर गिवन है, इस पावर से हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर इज योर 2π, वी नो पावर इज योर 2π nt डिवाइड बाय 60। ओके, तो यहाँ से हम टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू पावर इंटू 60 डिवाइड बाय 2π n। ओके, पावर हमें गिवन है कितना है, 150 किलोवाट, दैट इज 150 × 10⁻³ × 60 डिवाइड बाय 2 × π, और n हमें गिवन है कितना, 180 आरपीएम। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, टॉर्क विल बी योर 7957.7 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास आया टॉर्क। ओके, अब ये जो टॉर्क है टी, इस टी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे इसको, अगर हम इक्वेशन वन मान लें तो, यह और यहाँ पर लिखे हम पुट वैल्यू ऑफ टी इन
इक्वेशन वन में हम पुट करें, ओके तो इक्वेशन वन में हम पुट करें तो हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है टाउ मैक्स, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज टी, ये टी मीन है अपना, यहाँ से टी मीन भी पावर का फॉर्मूला हमने जब ट्राई किया था वो मीन टॉर्क था, टी मीन, ओके सो टाउ मैक्स विल बी योर्स, टाउ मैक्स क्या था हमारा टी मीन डिवाइड बाय पाई बाय 16 इंटू डी क्यू, ओके सो टी मीन इज योर 7957.7 डिवाइड बाय पाई बाय 16 इंटू टी नोट, टी क्या है हमारा 0.15 क्यू, ओके तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी शियर स्ट्रेस की दैट विल बी 12 अप्रोक्सीमेट 12 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके दैट इज हमारा वैल्यू आएगा, तो हमारा आंसर जो आया है टाउ मैक्स इज 12 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके ये हमारा आंसर, तो ये हमारा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारा टोर्जन का जो आप यूनिट करोगे या फिर टोर्जन का जो एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल इस टाइप से आता है, ये दो टाइप है, सम अदर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल या फिर जो अलग स्टे अदर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।